पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति की मांग, पीएम मोदी करे किसानों से बातचीत। तीसरी पीढ़ी भी भुगत रही है 36 साल पहले हुए भोपाल गैस कांड का दंश। एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन, 1500 रुपए लेकर आए थे भारत, आज है करोड़ों की संपत्ति। महोबा में 20 घंटे बाद बोरवेल से निकाला जा सका मासूम, नहीं बची जान, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। जम्मू कश्मीर में लीज पर ली गई जमीन पर मरम्मत या निर्माण से पहले वीडियोग्राफी हुई अनिवार्य। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज खत्म। शादी से पहले प्रेगनेंसी के कारण सुर्खियों में आई थी कोंकड़ा सेन, 10 साल बाद पति से लिया तलाक। बिहार के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र जारी, जेई और फेच 8 परीक्षाएं 10, 11 और 14 दिसंबर को। ब्रिटिश पीएम जॉनसन होंगे गणतंत्र दिवस पर मेहमान, पीएम मोदी ने दिया था आमंत्रण। पचेटी डैम में डूबने से 5 लोगों की मौत, सीएम शिवराज सिंह चौहान का मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान। बिहार चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट में नहीं पाया गया कोई अंतर, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में अपराधी बब्बू और छब्बू की अवैध संपत्ति पे चला बुलडोजर। तापमान में गिरावट के साथ मौसम में गलन, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। शहद में मिलावट का चौंकाने वाला खुलासा, 77% में मिलाया जा रहा है चाइनीज सुगर सिरप। मौसम विभाग ने चक्रवात बुरेवी को लेकर जारी किया रेड अलर्ट, पीएम मोदी ने की केरल के सीएम से बात। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीबीआई ईडी समेत सभी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी। 30 करोड़ लोगों को ही मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन। अशोक गहलोत बोले, कोरोना को लेकर राजस्थान सतर्क है। किसानों से केंद्र की बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम मीर जफरुल्लाह खान जमाली के निधन पर मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने जताया दुख। ब्रिटेन में जल्द शुरू होगा कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सरकार ने दी इजाजत। विपक्षी दलों की रैली से बौखलाए इमरान खान, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू। पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चीन का जोर, चीनी रक्षा मंत्री ने की बाजवा से मुलाकात। वीजा पर नए प्रतिबंधों को अमेरिका अदालत ने किया खारिज। हम नहीं बोले नहीं रुकेगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, विज्ञानी फाकरी जादेह की हत्या का लेंगे बदला।